एक रिपोर्ट के जरिए ये बात हम तक पहुंची है कि हमारे इलेक्ट्रोल रोल के अंदर, इलेक्शन रोल में 2 करोड़ मुसलमानों के नाम गायब हैं। ये या बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, या तो जानबूझ के किया गया है, या तो हमारी गफलत है। बहरहाल ये बात तय है कि 2 करोड़ मुसलमानों के नाम इलेक्ट्रोल रोल से गायब हैं। अब आप इलेक्शन के दिन वोट देने गए और वहां जाकर आपको मालूम हुआ कि आपका वोट नहीं है या आपका नाम नहीं है, तो आप वोट नहीं दे पाओगे। ये नुकसान आपका तो नहीं, पूरी कौम का नुकसान हो सकता है। हमारे पास 31 अक्टूबर तक का वक्त है। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम लिस्ट में आ जाए, तो आपको 31 अक्टूबर के पहले अपने नाम को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जो हक आपका है वोट देने का, ये बहुत बड़ा हक है। ये जो वोटर आई कार्ड है, ये बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूँ कि तमाम सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे इलाके के जिम्मेदार लोग सब मिलकर एक साथ एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर पहुंचें और देखें कि तमाम लोगों के नाम रजिस्टर हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी गफलत हो चुकी है, काफ़ी आराम कर चुके हैं हम, सोते रहे हैं, लेकिन अब जागने का वक्त है। अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर का सबसे अहम काम यह है। अगर आपका वोट, आपका नाम नहीं आया लिस्ट में और आप वोट नहीं दे पाए, तो ये साबित करेगा कि हमको हमारे वोट की अहमियत पता नहीं है। ये गलती कैसे हुई या नाम किस तरह गायब हो, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है और जैसे भी हमको ये पता चलेगा आप तक ये बात पहुँचेगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसको आप शेयर करें और हिंदुस्तान के कोने कोने तक बात पहुंचाएं, ताकि तमाम लोगों को ये बात मालूम हो जाए, वो अपना नाम चेक कर लें लिस्ट में है कि नहीं, और नहीं है तो रजिस्टर करा लें। आपकी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस वीडियो कितना शेयर करते हो और कहां तक ये बात पहुंचाते हो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।